नंबर देखते हैं यहाँ पर 26, हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू बताना है इसमें से किसके इक्वल है। देखिए दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ है बी माइनस सी, यहाँ है बी सी माइनस का ए सी, यहाँ ए बी माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी, यहाँ बी स्क्वायर माइनस का ए बी, बी सी माइनस सी ए, यहाँ सी माइनस ए, और यहाँ पर है ए बी माइनस का ए स्क्वायर। आगे देखिए क्या करते हैं, सब में जहाँ जहाँ कॉमन है पहले कॉमन कर लो। बी कॉमन होगा तो यहाँ बी माइनस ए, यहाँ बी माइनस सी है, यहाँ पर कॉमन है आपका सी तो यहाँ बी माइनस ए, ठीक है। यहाँ कॉमन हम लोग कर सकते हैं इसमें ए, तो यहाँ आ जाएगा बी माइनस का ए, ए माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा आपका बी कॉमन तो यहाँ बी माइनस का ए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इसमें सी कॉमन होगा तो यहाँ आ जाएगा बी माइनस ए, और यहाँ पे सी माइनस ए ऐसे ही रखेंगे, इन दोनों में से हम लोग कॉमन कर लेते हैं ए, यहाँ बी माइनस ए, तो बी माइनस ए को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। कहाँ से? तो हम लोग कॉमन कर लेते हैं बी माइनस ए को सी वन में से और सी थ्री में से, यहाँ बी ए सी, यहाँ बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए, यहाँ सी, यहाँ बी, यहाँ ए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं आर वन के प्लेस पर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ऐसा करने से देखिए क्या होगा, बी माइनस ए का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ हो जाएगा जीरो, देखो इन तीनों को ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, और बाकी यहाँ पे देखो ए ए माइनस बी बी, सी सी माइनस ए ए। अब ए प्लस बी प्लस सी को बाहर ले लेते हैं आर वन में से, तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाहर ले लेते हैं, ऊपर वन जीरो वन, यहाँ पर देखिए ए ए माइनस बी बी, फिर उसके बाद देखिए सी सी माइनस ए ए। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखें हम लोग सी वन के प्लेस पर सी वन माइनस का सी थ्री कर सकते हैं, बी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ करेंगे तो जीरो ए माइनस बी सी माइनस ए, जीरो ए माइनस बी सी माइनस ए, वन बी ए। तो यहाँ दो को कॉलम सेम हो गया तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो ना हो जाएगा, इन दोनों का डिटर्मिनेंट इस देखें ना, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो, यानी कि बी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में जीरो मल्टीप्लाई होगा तो आपका जीरो आ जाएगा, यानी नन ऑफ दीज ना इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो फिलहाल इस वीडियो में यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पर जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।